कटोरी चाट। कटोरी चाट, कटोरी चाट मैंने आपको बताया, हमने काफ़ी अर्सा पहले शो में बनाई थी। ये बिल्कुल डिफरेंट है और ये अभी आपको दिखाते हैं। आलू हमने बॉईल कर लिए मीडियम साइज़ के। सबसे पहले इसकी एज काटेंगे इस तरीके से। उसके बाद इस आलू को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया और इसके बाद जो इसका अंदर का हिस्सा है इसको हमने स्कूप आउट करना है किसी टी स्पून लेके। और ये देखिए, इसका बेस्ट तरीका ये जिस तरह अभी हमने इसको पकाया, इसको थोड़ा सा ज़रा हल्का सा सख्त रखा है। ये देखिए, ये स्कूप आउट करके इसमें जितना आप अंदर गैप बना सकें बड़ा उतना बेहतर है। बस ये जहन में रखें कि आलू का शेप जो है ख़राब ना हो। तो इसको छीलते गए और ये कटोरियाँ बननी शुरू हो गई। इसके बाद हमने इसके अंदर स्टफिंग करनी है, तो इसको जितना डीप कर सकें उतना बेहतर है ताकि स्टफिंग ज़्यादा आए। ये वन बाइट नहीं है, ये कम से कम 3 बाइट्स है। बहुत मज़े की इसकी बिल्कुल डिफरेंट चटनी है और ये तो अभी बाद में कटता रहेगा। हम आ जाते हैं इसकी एक चटनी की तरफ और ये आ गई इमली और चने। इसमें जहन में रखिएगा बिल्कुल गले हुए होने चाहिए, तब कहीं जाके सही चाट बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी, यानी इसका टेस्ट सही नहीं आएगा। इमली की चटनी आ गई कटोरी चाट के लिए, लेमन जूस आ गया, इसके बाद इसमें सूखा धनिया आ गया, सफ़ेद ज़ीरा आ गया, नमक आ गया और लाल मिर्ची पाउडर 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्ची पाउडर कम रखना है, उसकी वजह है कि इसमें कुटी लाल मिर्च भी आएगी ऊपर से, तो इस वजह से इसको आपने कम रखना है और ये काफ़ी थिक हो जाएगी। कटोरी चाट में हमने यहाँ पे जो अभी चटनी बनाई थी ये इसका मेन पार्ट है। इसके बाद इसमें हमने ये चने डाल के इसको मिक्स कर लेना है बस। तो ये हमारी चाट के लिए ये काम हो गया रेडी। जैसी कटोरियाँ आती हैं इसको हम स्टफ़ करेंगे, फिल करेंगे, उसके ऊपर भी चाट आएगी और चाट मसाला आएगा और ये कटोरी चाट भी कंप्लीट हो जाएगी। चने तैयार हैं, ये कटोरियाँ आ गई, ये आ गया चना और सिंपली इसको मिक्स किया और इसके अंदर इसको स्टफ़ कर देना है बस। ये आ गया, सिंपल इसको फिलिंग करते जाएंगे। चाट मसाला, ये कुटी लाल मिर्च आ गई, तो हमारी कटोरी चाट भी रेडी। कटोरी चाट अज्जा, उबले आलू 1 किलो, उबले काबुली चने 250 ग्राम, चाट मसाला 4 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, इमली की चटनी के लिए इमली का गूदा 1 कप, चिली पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, ताज़ा नींबू का रस 6 खाने के चमचे।